हरियाणा के जुलाना में बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव के सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर परिवार आत्मनिर्भर रोजगार। इस अभियान का मकसद है गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ई रिक्शा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत युवा अपने परिवार को पूरे सम्मान के साथ पालन पोषण कर सकते हैं। संस्था अब तक समाज से मिली सिफारिश के आधार पर अब तक 7 ई रिक्शा वितरण कर चुकी है। सामाजिक सरोकार परिवार का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को अपने पैर पर खड़ा करना, चाहे वो छात्र हो, युवा हो या महिला हो। जिस किसी को भी सहायता की जरूरत है, ये संस्था उस तक पहुंचकर उसकी मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती है। इसी को देखते हुए संस्था 1 अक्टूबर को जुलाना में पढ़ाई दवाई रैली करने जा रही है, जिसमें कई वर्गों का सम्मान किया जा सकता है। इसे मेरे को फायदा हुआ है जी, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का खर्चा आराम से निकल आता है और इससे बहुत लाभ होता है। तो संस्था का ये किस तरह का प्रयास आप मानते हैं? बहुत अच्छा है जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरत पाल है। सूरत पाल जी, अंकल जी, मैंने सुना है कि जो आपको ये रिक्शा दी गई है ये फ्री में मिली है? बिल्कुल फ्री में मिली है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो फ्री में रिक्शा मिल रही है, क्या ये गांव के हर बंदे को मिल रही है? नहीं जी, हर एक को नहीं मिल रही, गांव के साथ एक को मिली है। हाँ जी, मेरे को कहा गया था कि 251 आदमियों के दस्तक करवा दे, मैंने वो करवा दिया। मैं बोल रहा था मैं 251 कहते 1000 के करवा लो, तो हमारे जो SSP परिवार सामाजिक परिवार है, ये इसने ये दी है, जिससे मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल रहा हूँ। तो जैसे कि हमने सुना है कि जो ये रिक्शा है ये बिल्कुल गरीब आदमी है जो उसको मिल रही है, या जो जिसके बेटियां हैं उसको मिल रही है, ऐसा? गरीब को मिल रही है। हाँ जी। तो गरीब को ई रिक्शा लेने के लिए गाँव के सभी बंदों के साइन करवाने की जरूरत है। हाँ जी। तब जाके ये मिलती है। हाँ जी। संस्था समाज के लोगों के लिए पहली बार सहायता नहीं कर रही है, इससे पहले भी संस्था ने लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयत्न किया है। संस्था का मकसद है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आपको ये मुहिम कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।